हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारे इस सेशन में, जहां पर एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की हमारी ये सॉल्यूशन सीरीज़ थी। तो देखिए, 11, 12 और 13 के हमारे सारे पार्ट, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। बाकी हमारा 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस अभी बचे हैं, तो इस पार्ट में हमारे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दी 2011 के मेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, मैं वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करूँगा। फिर 12 के जितने भी मेंस के सेट थे उनके साथ 13, 14, 15, 16 और 17 पर आकर हम ख़त्म करेंगे। तो मैंने सोचा है कि जैसे कि 2018 का हमारा ये सीरीज़ रहा है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, यानी कि आपको 30 वीडियो इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि 2018 के सॉल्यूशन पर डिपेंड होंगी। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट को उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया है, मैंने ट्राई किया कि सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ जस्ट एंड ऑल, सो दैट कि आपको हर क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाए कि उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते थे। इसके बाद इन सॉल्यूशन सीरीज़ के साथ साथ आई ट्राई इन द एंड कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स की वीडियोस में बना पाऊँ वाइल सीइंग द रेफरेंस, यानी कि कैसा रिस्पांस मेरा आता है, उस रिस्पांस को देखकर मैं आगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर काम करने की कोशिश करूँगा। बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं सारे के सारे मेंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो लास्ट पार्ट होगा 2018 की मेंस सॉल्यूशन सीरीज़ में, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण का जो मान है रेगुलर पॉलीगन का, वो आपको दिया गया है। तो बताना है रेशो, यानी कि अनुपात किसका, डायगनल्स टू द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो पहले साइड्स आपको यहाँ से निकालनी होंगी, फिर डायगनल्स निकालने होंगे और फिर इनका रेशो निकालना होगा। आपको दिया क्या गया है, एक्सटर्नल एंगल का मान, ईच एक्सटीरियर एंगल का मान। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई एन होता है, ये आपको पता है। ये वैल्यू कितनी है, 357 और 3, यानी कि 360/7 इसकी वैल्यू आपको दी गई है। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 7। तो ये तो होगी आपकी नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, n n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है आपका नंबर ऑफ डायगनल्स। तो 7 × 7-3 = 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2 गया, यानी कि 14 आ गया आपका नंबर ऑफ डायगनल्स। रेशो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डायगनल्स का, किससे, नंबर ऑफ साइड से, जो कि 7 है, 2:1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सेम हेमिस्फेयर, यानी कि किसी खोखले हेमिस्फेयर वेसल का आपको इंटरनल डायमीटर यानी कि अंत है व्यास दिया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इट इज़ मेड ऑफ स्टील, यानी कि वो स्टील से बना हुआ है, जिसकी थिकनेस आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ दी टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर मैं किसी आपसे हेमिस्फेयर वेसल की बात करूँ जो कि क्या है, हॉलो है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही होंगी। टोटल सरफेस एरिया में आपसे कह सकता हूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट करके पूरे का निकाल दीजिए, फिर उसमें ये वाला ऐड कर दीजिए और फिर उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल रेडियस आपकी आर है, इंटरनल रेडियस आपकी स्मॉल आर है, तो ऐसी कंडीशन में इस खोखले हेमिस्फेयर का जो एरिया हो जाएगा, वो भी सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा, 2π r², ये तो आपका एक्सटर्नल का हो गया सरफेस एरिया, प्लस 2π r² जो कि इंटरनल का सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा किस वाले रीज़न को, जो कि ये वाला रीज़न अपनी एक अलग वैल्यू देगा, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर दो परतें होंगी, एक तो आपका ये वाली परत, एक आपकी ये वाली परत, और उसके साथ ये बीच वाला जो सरफेस है, ये भी आपका एक यहाँ से क्या बनाएगा, सरफेस एरिया बनाएगा। अब देखिए, यही सरफेस एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, π R² - R², क्योंकि ये क्या है, आपका हेमिस्फेयर है। ये मैंने आपका अपर व्यू दिया है कि ये आपका एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया, बचा हुआ ये वाला भी आपका कैलकुलेट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π R², कैपिटल R में से स्मॉल R स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू माइनस कर दूंगा। अगर ये चीज़ क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें हमें कुछ बचा है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं आपका यहाँ से क्या करता हूँ, 2π R² आपको यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R की वैल्यू आपके पास कितनी है, अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, कैपिटल R की, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 12.5, और जबकि स्मॉल आर की कितनी है, अगर इतनी सेंटीमीटर थिक है तो स्मॉल आर की हो जाएगी कितनी, 12। बस इस वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई में कॉमन ले सकता हूँ, 2R² + 2R² + R² - R², ये आपका हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पाई, दैट विल बी 3R² + R²
ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आपका बाहर है तो 3 × 12.5 × 12.5 और उसके बाद प्लस 12 × 12। इसको कैलकुलेट करेंगे 12.5 से कितना हो गया 37। 37.5 में लगभग 12 का करूँगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग मेरा 468.15 कितना 75 आएगा और ये कितना हो गया 144। तो यहाँ से मैं 22/7 करता हूँ इसे और इसका सम कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई को रहने दीजिए, पाई में आपसे वैल्यू पूछी गई है, इसका सम कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग आ जाएगा 612.75। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है द बाइसेक्टर ऑफ ए इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ए बी सी बना लीजिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब इसका बाइसेक्टर आपने बोला है कि ये कहीं बी सी पर डी पर जाकर मिलता है, तो ये आपका बाइसेक्टर हमने यहाँ से बना दिया। अब इसके बाद बोला गया है आपको साइड दी है, आपको डी सी की वैल्यू बतानी है। ए बी सी तीनों की वैल्यू दी है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी दी है, ए सी भी दिया है और बी सी भी दिया है। तो देखिए ये चीज़ याद रखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ये आपके पास कितना दिया गया है, ए बी 15 है, ये कितना है आपके पास ए सी 13 है, बी सी कितना है आपके पास 14 है, तो एक बात याद रखेंगे, अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, बी डी की वैल्यू पूछी ना, डी सी की वैल्यू पूछी है, तो इसे एक्स मान लीजिए, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ये वाला हो गया आपका लगभग 14 - x। तो यहाँ से आपके पास एक रेशो निकल कर आता है हमेशा, वो होता है 15/13 इक्वल टू डिवाइड, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 14 - x डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यू रखना है, यानी कि ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इसकी साइड का इक्वल टू ये वाला रेशियो डिवाइडेड बाई ये। अब अगर हमने अपने ये वैल्यू पुट कर दी है तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, 15x विल बी इक्वल टू 13 × 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें एक और 13 ऐड कर दीजिए तो 169 + 13 कितना हो जाएगा 182 - 13x। यहाँ से कितना हो गया 15 और 13 आपका 18 हो गया, 28 हो गया, 28x का वैल्यू कितना हो गया आपका 182। अब 28 से लगभग कितना जाएगा आपका 3 से अगर मैं 6 बार, यानी 6 बार लगभग जाएगा, पॉइंट आपका 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सर्टेन लोन वॉज रिटर्न इन 2 equal half-yearly installments ऑफ इतने, आपको इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू दी गई जो कि इक्वली है और वो क्या है हाफ ईयरली इन्होंने बोला है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है पर एनम, देखिए पर एनम अगर 8% है, मुझे इंस्टॉलमेंट पता है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली की कैलकुलेशन में मैं रेट को कितना ले लूँगा 4%, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, अब कितना इंटरेस्ट लोन पर पे किया गया, तो देखिए 4% आपका अगर इंटरेस्ट रहा हाफ ईयरली के हिसाब से, तो पहले अगर 100 था तो वो 104 हो जाएगा, इसका रेशियो कितना बनता है आपका 25 और 26 का, ये चीज़ क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा इसका स्क्वायर, यानी कि 625 और इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 676, ये हो गया। अब ये इक्वल करना है तो यहाँ भी 26 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 26 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये अगर मैं 26 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 625 प्लस एक और 25 करना होगा, यानी कि ये हो गया 650, सम करेंगे तो 5, 7, 12, ये आपके पास आ गया क्या प्रिंसिपल। और इधर से आपका ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 6760, तो अगर इसकी वैल्यू है ये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपीज़। अगर एक रेशो की 10 रुपीज़ है तो आपसे पूछा क्या है इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है अमाउंट कितना आया है, इसका 2 times कर दीजिए तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5, ये आपका 13, ये आपका है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट देखिए कितने का डिफरेंस है आपका, ये आ गया 3, उसके बाद 2 और ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं इसे माइनस करूँगा तो 12 में से 5 जाएंगे, आपका 7 हो गया, उसके बाद आपका ये 7 हो गया, आपका इतना आया है डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आपके पास आ गया है तो आपके पास इसमें 10 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि फैक्टर आपने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 770 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट ए और बी के बीच का अनुपात है, मैं आपसे बात करूँ ए और बी की, तो ये दिया गया है आपको कितना 2 और 3। बी और सी के बारे में बात करूँ तो ये आपको दिया गया है कितना 1 और 2। उसके बाद सी और डी के बारे में अनुपात आपको दिया गया है कितना 3 और 4। देखिए कंबाइंड रेशो आपको निकालना होगा, आता होगा, पहले इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 6 रेशो, उसके बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए 3, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 9, उसके बाद फाइनली किसका मल्टीप्लाई कीजिए इसका और किसका, इसका और इसका, ठीक है, 2, 1 और 3 का। अगर आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, दिस विल बी कमिंग अराउंड लाइक
अगर मैं बी की बात करूँ तो ये आपको कितना आ जाएगा, 6, राइट, 6 ही आएगा ना। अगर मैं इसको 2, 3, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख दी, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 6 और 3, 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 8, 3, 24। ये आपका रेशो आया, मैं इसे 3 से कट कर सकता हूँ, तो ये आपका 3, 3, 6 और 8, ये आपका रेशो आ गया ए बी सी डी में। आई होप आपको ये कंबाइंड रेशो निकालने आते होंगे। अब आपको दिया गया है कि भाई इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए और डी, ए और डी के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट का, उसकी वैल्यू है कितनी, 648। एक की वैल्यू कितनी होगी, 108, तो बताना कितना है, देन द सम ऑफ देयर शेयर्स, सम कितना है, सम कर लीजिए, 8 और 2, 10, 6 और 3, 19, यानी कि 19 × 108 आपको निकालना है। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी क्या करता है, 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है इतने मिनट में, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अगर मैं x माइनस वाई की बात करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा वो, 900 / 12, तो ये कितना हो गया आपका, आपका 8 और उसके बाद 5, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इतना, 75 आ गया। तो अगर आपके पास x माइनस वाई का आ गया है और x प्लस वाई कितना आ जाएगा उसके बारे में दिया गया है कि वो सेम डिस्टेंस 9 मिनट में करता है, तो 900/10 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90। अब मुझे अगर स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो सम कर दीजिए, 75 और 90 का सम कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, 90 हो गया मेरा और ये आपका क्या है, 75, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये तो 100 आएगा ना, ये तो 100 आएगा, 900/9 करूँगा तो 100 आएगा, तो ये कितना हो गया, 100 + 75/2 करना होगा x की वैल्यू को निकालने के लिए, तो यानी कि 175/2, ये किस में है आपका, ये है आपका मीटर पर मिनट में। अब आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पे करना होगा 172/2, अब ये मिनट है तो इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 60 करना होगा और नीचे 1000 करना होगा, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपका 3 बार चला गया, ये आपका 50 हो गया, और 50 से आपका 25 से आपका 2 बार चला गया, 25 से आपका ये 7 बार चला गया, और ये आपका कितना हो गया, 21/4 हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन पार्ट था, आसान था, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सेक्टर है जिसकी रेडियस है आपके पास, सेंट्रल एंगल भी आपको दिया गया है, उसको फोल्ड किया और आपने क्या किया, उसका शंकु बना लिया, जहाँ पर उसकी जो बाउंडिंग रेडियाई हैं वो मीटिंग करती हैं। तो देखिए सेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है, ये इसकी एंगल वैल्यू कितनी है आपके पास, 120। उसके बाद ये अगर मैं ए मानूँ, ये आपका बी मानूँ, ये आपका ओ मानूँ, तो इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कोन बना लेते हैं इस वाले पार्ट को फोल्ड करके, इस पर ज्वाइन करके, ठीक है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से बनने वाले कोन का ये पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि परिधि हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा इसके बेस का, ठीक है। तो अगर ए बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ, तो ए बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना इसका एंगल होता है डिवाइडेड बाई टोटल एंगल इंटू 2πr, तो 2πr की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी हुई, 10.5 × 10.5, ये आपको दिया गया था। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा अगर ए बी की वैल्यू, तो ये लगभग कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 बार गया, अगर 3 से मैं इसे कट करूँ तो 3 से आपका 3 और 5, 3.5 और 2 कितने होते हैं, 7π। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, ए बी की लेंथ निकाल ली। अभी ए बी की जो लेंथ है वो इसकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, यानी कि बेस की सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, तो 2π कैपिटल आर, तो पाई से आपका पाई हो गया, यानी कि कैपिटल आर यानी कि कोन की आपके पास रेडियस आगे कितनी, 3.5, आपको ये पता चल गया। अब देखिए इसकी जो ये वैल्यू थी, यानी कि ये जो वैल्यू थी ये कितनी दी गई है आपको, 10.5। अब ये इसमें कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी, यानी कि एल की वैल्यू है आपके पास कितनी, 10.5। तो मुझे हाइट चाहिए होगी वॉल्यूम निकालने के लिए, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट माइनस रेडियस स्क्वायर। तो बस स्लांट हाइट माइनस रेडियस स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो कैसे आएगा, दिस विल बी कितना आया था हमारा, एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, रूट क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है आपकी, 10.5, तो ये हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितना है आपका, 3.5 का स्क्वायर। तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपका लगभग लगभग कितना आ जाएगा, इसे आप करेंगे तो ये आपका 13, 14 हो गया, और उसके बाद माइनस करूँगा तो कितना हो गया आपका, 7 हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसे बाहर निकालूँ तो कितना आएगा, 7 बाहर आएगा, 7√2 आपका क्या आ गया, हाइट की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। आपके पास वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होता है, 3π/3πr²h। अब देखिए h की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस है, तो पाई में आपको चाहिए, तो पाई को तो करेंगे नहीं, तो 1/3, r कितना है, 3.5 × 3.5, और h कितना है आपके पास, 7√2।
तो कर लीजिए बस, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ऑलरेडी आपका पाई है, तो पाई के साथ अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने की सोचूँ तो पहले तो देखिए √3 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सो 7 का मल्टीपल अगर आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, ये तो सेम ही है, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 का स्क्वायर आपका समथिंग समथिंग कितना दे देगा, अगर मैं बात करूँ, हाँ अगर मुझे यहाँ पर पाई भी रखना है तो 1/3 से लगभग कितना जाएगा मेरा, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन देगा, एंड दिस विल बी गिविंग यू, अगर √2 आपका ऊपर है तो 7 से आपका कितना हो जाएगा, ये अगर मैं नीचे 100 करता हूँ तो 5 अगर मैंने यहाँ से कर लिया, ये 7 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि 12 आएगा, और नीचे आपका 12 बन जाएगा और ऊपर कितना आ गया आपका 7 का क्यूब, यानी कि 343 √2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्टेन सम अमाउंट करता है इतना एट 15% पर एनम इन इतने साल, तो बताना है उसका सम कितना था। तो देखिए अमाउंट अगर आपके पास है 4205.55, आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, 15% का आप रेट लगा रहे हैं, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 115/100, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 115/100, और उसके बाद क्या है आपका 2/5। अब देखिए 2/5 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 और इसके साथ आपको क्या करना होगा, कितना 15/100, ये आपको करना होगा, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो 5 से मैं अगर इसे काट दूँ तो 3 बार गया, 100 से कितना हो गया ये ऊपर, 106/100, तो ये कितना हो गया 53/50, तो यहाँ पर करना होगा आपको 53/50 इंटू आपका प्रिंसिपल। अब इस वैल्यू से आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेशन आपको पार्ट करना है, पी की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसे भी कैलकुलेट करूँ तो 5205.55 इंटू ये कितना हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 23 जाएगा ना ऊपर, 20 जाएगा, सॉरी 20 ही जाएगा, ठीक है 20/23, ठीक है 20/23, और ये हो गया आपका कितना 50/53। तो यहाँ से पी की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन से आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन के थ्रू भी जाकर चेक कर सकते थे कि ऑप्शन के थ्रू इतने सालों में कौन आपको इसके करीब ले जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ ट्राइंगल ए बी डी सी क्या है, मिड पॉइंट है, उसके बाद आपको साइड दी है। तो देखिए ट्राइंगल है आपके पास, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपके पास डी। सी क्या है, मिड पॉइंट है बी डी का, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया ये इस लाइन का, ठीक है। अब उसके बाद आपको साइड दी है, जैसे कि ए बी की वैल्यू दी है आपको 10, ए डी की वैल्यू दी है आपको 12, उसके बाद ए सी की वैल्यू दी है आपको 9, और आपसे बी डी यानी कि पूरी ये वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि भाई जब आप यहाँ से एक लेंथ बाइसेक्टर डालते हैं तो वहाँ से आपका मीडियन के साथ एक रिलेशन निकल के आता है, तो वो रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होगा कि भाई अगर जैसे मैं बात करूँ मीडियन की, सपोज मैंने मीडियन माना, तो मीडियन का स्क्वायर इंटू 4 ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, ये होती है आपका ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। ये आपका हमेशा एक एक्सप्रेशन होता है मीडियन के टर्म में अगर आप वहाँ पर बाइसेक्टर करते हैं उस लाइन को, ठीक है। तो 4m² आपका यहाँ पर है, तो ये ए बी की वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा, 100 × 2 आपका ये 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए डी की वैल्यू कितनी है 12, 144, और उसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर आपको करना है जिसकी वैल्यू आपको बी डी की पूछी गई है। मीडियन की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। बस यहाँ से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए स्क्वायर की, जो कि कितना दे देगा आपको, इधर हो गया आपका 488 माइनस ये कितना हो गया लगभग 324, तो ये कितना आ गया आपके यहाँ से लगभग आ गया 164, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल कम अराउंड 2, 4 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा लगभग 41, तो ये हो गया आपका ए की वैल्यू पूछी थी आपसे वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक सम आपको दिया है अमाउंट करता है इतना इतने सालों में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बताना है कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसी सम पर अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं और रेट आपका वही होता है। तो पहले काम क्या करना है आपको, रेट निकालना है। देखिए इतने से इतना हो गया, इनके बीच का डिफरेंस आपके पास कितना आएगा लगभग 3,325, 3,325 ये आपने डिफरेंस निकाला है कितने सालों में, 3/4/5 में ये आपने इंटरेस्ट निकाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 5 साल में ऑब्वियसली कैसे करेंगे, 3,325 ये कितना है आपका 15×4 = 19, तो आपका 19 और ऊपर कितना है आपका 5, तो 5 × 5
ये आपका ऐसा रहेगा n टू 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको 5 साल में निकालना था तो आपने ये किया, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ही 5 आएगा ना, एक ही 5 आएगा। अब इसको मैं कट करूँगा तो 19 से कितना जाएगा, 19 से आपका एक बार जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा 14, 142, 19 से 7 बार जाएगा लगभग लगभग, और उसके बाद 5 बार जाएगा, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आपके पास आ जाएगा 4375। किसका वैल्यू, इस 5 साल में जो आपके पास इंटरेस्ट बनेगा उसका। अब देखिए इंटरेस्ट है, डबल रेट पर करना है तो इस पर डबल रेट करूँगा तो ऑब्वियसली इसका दुगना देखना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8750। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 8750, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आपको रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपसे सीधा सीधा उन्होंने पूछा कि भाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले इंटरेस्ट कितना था आपको इतने साल में दिया गया है, आपने यहाँ पर डिफरेंस निकाल कर निकाल लिया, उसके बाद आपने 5 साल का आपको दिया गया है कि 5 साल में कितना हो जाएगा डबल रेट, अगर डबल रेट करना होगा तो ऑब्वियसली इसका 10 टाइम्स कर दूंगा, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधे सीधे है। तो 5 साल का मैंने निकाला, इसमें 2 टाइम्स कर दिया, जो कि मुझे देगा 8750। सो ये हुआ हमारे 13th यानी कि 2018 मेंस सॉल्यूशन की कंप्लीट सीरीज का अंत। आप सब्सक्राइब जरूर करें, रेगुलर वीडियोज आपको आने वाले सेशंस में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियोज के प्लस आपको क्विज मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। EDO24 के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जहाँ पर 14K प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इस सेशन में, इस सीरीज में हमने एक चीज़ जानी कि हमने एक आपके साथ पंक्चुअलिटी बनाने की कोशिश करी। हर सेशन को मैं आपको एक डेली इंटरवल पर देता रहा। तो इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करके अब क्या है, आपको PYQs के डिस्कशन में आप क्वेश्चन को आइए, उसका सॉल्यूशन देखिए, तो इट विल बी ईजी कि आपको उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो क्विकली आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो एक चीज़ें आसान हो जाती हैं कि जब भी हम PYQs की बुक वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन उस तरीके का नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता है। सो आई होप मैं आपको किसी हद तक हेल्प कर पाऊँगा अपनी इस सीरीज़ में। तो ये 18 की सीरीज़ थी, 18 के मेंस की यहाँ पर सीरीज़ थी। अब मैं 11 से स्टार्ट करूँगा, SSC 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में उसका डिस्कशन करूँगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।